Hello guys, what's up and welcome to my channel. My name is Sachin and I hope you all are fine. So dear boys and girls, आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग को मिनिमम कितना परसेंटाइल में NIT कॉलेज में एंट्री मिल जाएगा। JEE 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम आप लोग कंप्लीट हो चुका है और आज नहीं तो कल आप लोग का रिजल्ट भी आउट हो जाएगा, तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग को एक NIT कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ये मैं आप लोग को कैटेगरी वाइज बताऊंगा, तो मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो जो भी मैं आप लोग के साथ अभी डेटा शेयर करूंगा ये जोसा काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। जोसा काउंसलिंग यानी जो आप लोग को NIT IIT GFTI एक्सेट्रा ये सारे कॉलेज में जिसका आप लोग काउंसलिंग करवाता है उसी वेबसाइट से मैंने ये सारा डेटा लिया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का आप लोग का है 95+ परसेंटाइल। इसके प्लस में आप लोग रहोगे तभी आप लोग को एक NIT कॉलेज में एंट्री मिलेगा। और मेरा बात याद रखिएगा, 95+ परसेंटाइल से आप लोग को ये नहीं है कि आप लोग को टॉप ब्रांच मिलेगा या टॉप NIT मिलेगा, बस आप लोग को एक NIT कॉलेज में एंट्री मिल जाएगा या तो आप लोग का कोर ब्रांच से एंट्री मिल जाएगा NIT कॉलेज में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते OBC कैटेगरी का, तो OBC कैटेगरी का आप लोग का होगा 92+ परसेंटाइल। 92+ परसेंटाइल आप लोग स्कोर करते हो OBC से या EWS से, तो यहाँ से आप लोग को एक मतलब एक आप लोग क्रॉस कर लोगे, बाउंड्री क्रॉस करके और आप लोग NIT कॉलेज में एंट्री कर लोगे। और एक बात ये भी उठता है कि 95+ परसेंटाइल के लिए आप लोग कितना स्कोर करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी वालों को, तो 95+ के लिए स्कोर करना पड़ेगा आप लोग को 135+ मार्क्स। और OBC कैटेगरी का जैसे मैंने 92 बताया था, तो 92 के लिए आप लोग को स्कोर करना पड़ेगा 100+ मार्क्स आ रहा है तब आपका 92 बन जाएगा। तो ST और SC कैटेगरी वालों के लिए आप लोगों को कितना मिनिमम स्कोर चाहिए NIT कॉलेज के लिए, तो आपको चाहिए 85+ परसेंटाइल। 85+ परसेंटाइल आप लोग यहाँ पे स्कोर करते हो तब आप लोग को एक NIT कॉलेज में एंट्री मिल जाएगा और आपका करीब आपको स्कोर करना पड़ेगा 70+ मार्क्स। तो ये आप लोग का था मिनिमम परसेंटाइल टू गेट इन टू NIT। तो ये आप लोग का मिनिमम परसेंटाइल था जिससे आप लोग एक NIT कॉलेज में एंट्री कर लोगे। मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ कि इतने परसेंटाइल से आप लोग को टॉप ब्रांच नहीं मिलेगा, बस ये आप लोग का एक बाउंड्री है कि इतना आपको स्कोर करना ही है। और अगर आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप लोग सेकेंड अटेम्प्ट के एग्जाम में एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसमें एकदम अच्छा मतलब उसमें स्कोर करना। और इतना बाउंड्री आप लोग को इतना स्कोर करना है, ऐसे तो आपको इससे ज्यादा स्कोर करना है तभी आप लोग एक NIT कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिलेगा। ऐसे आप लोग का जो NIT कॉलेज का जो सेफ स्कोर होता है वो 97+ परसेंटाइल होता है। 97+ परसेंटाइल से आप लोग एक अच्छा कॉलेज विथ CSE ब्रांच ECE ब्रांच ये सारे ब्रांच आप लोग को मिल जाएंगे। तो आप लोग टारगेट लेके चलो कि आप लोग को 97+ परसेंटाइल स्कोर करना ही है। और 95+ जनरल के लिए जैसे मैंने 95 बोला, ये आप लोग का इतना तो स्कोर करना है, इसके प्लस इतना तो आपको स्कोर करना है, ये आप लोग का मिनिमम हो गया। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो आप सबको।